हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृता और आप देख रहे हैं अमृता एकेडमी। अवर टुडेज टॉपिक इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें किन किन रूल्स की आवश्यकता होती है, हम वन बाय वन वो देख लेते हैं। सबसे पहला रूल कहता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन मीन्स कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि रिएक्टेंट्स के जितने एटम्स हैं, जितने रिएक्टेंट्स में उतने ही एटम्स कितने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बनता है, तो नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट के हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। पहला रूल ये होता है। इसलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं उन्हीं के नंबर पर जो प्रोडक्ट बनता है उतना ही नंबर एटम्स का उनमें भी होना चाहिए। ओके, वो एग्जांपल जैसे जैसे हम आगे देखते जाएंगे तो एग्जांपल से आपको और क्लियर होता जाएगा। सेकेंड होता है यू कैन नॉट चेंज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन्स एग्जाम्पल हम अगर ले लें कि H2+N2 ने मिलकर बनाया अमोनिया, तो इसमें क्या होता है, ये जो सबस्क्रिप्ट होते हैं इनको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये जो सबस्क्रिप्ट होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर इनको चेंज करके हम बैलेंस कर सकते होते इक्वेशन तो बहुत इजी हो जाता। 3 यहाँ पर लिखा है तो हम 3 कर लेते, N1 लिखा है तो N2 है, N2 कर सकते थे हम। यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज सबस्क्रिप्ट। ओके, अब आपको थर्ड में अगर देखें रूल, यू कैन चेंज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मीन्स फिर से इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं, कोएफिशिएंट्स मीन्स नंबर इन फ्रंट ऑफ एटम्स। यू कैन ओनली चेंज नंबर इन फ्रंट ऑफ एटम्स। इस रूल के हिसाब से आप हाइड्रोजन में अगर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाने हैं तो ओनली यू कैन चेंज कोएफिशिएंट्स। आप यहां पर नंबर चेंज कर सकते हैं, यहां चेंज कर सकते हैं, यहां चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 3 रूल्स जिनको हमें फॉलो करना है। ये करते करते हम अपनी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली इक्वेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारी है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर बनाया अमोनिया। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन जो है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2। नाइट्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, नाइट्रोजन 1। ओके, अब देख लेते हैं, हमें हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। ओके, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेंगे तो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने लगाया तो इंटू 2 हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा। 2 इंटू करा हमने 3, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमें इसे किस तरह से लगाना पड़ेगा, इस तरह से हम 3 लगा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 हो गया। 6 हाइड्रोजन हो गई लेफ्ट साइड में, 6 हो गई राइट साइड में। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2 और नाइट्रोजन राइट साइड में भी 2। ओके, इस तरह से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन हम देख लेते हैं, S8+O2 ऑक्सीजन मिली, इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ओके, S का नंबर कितना है, सल्फर का 8 है, ऑक्सीजन का 2 है, सल्फर का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का नंबर 2 है। ओके, तो हम इसे किस तरह से बैलेंस करेंगे, हमें यहाँ पर 8 चाहिए, तो हमने यहाँ पर जैसे ही इंटू 8 करा तो हमें इस पर भी इंटू 8 करना पड़ेगा। ओके, 16 हो गया, ये नंबर 8 हो गया, सल्फर से सल्फर बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 16 है, आपको इंटू 8 करना पड़ेगा ऑक्सीजन में, यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा। ये हो गई आपकी 16 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, 16 ऑक्सीजन राइट साइड में। ओके, तो इस तरह से आपका सेकेंड इक्वेशन बैलेंस हो गई। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया। अच्छा, ये अगर यहाँ पर H2 के बाद O2 लग जाता तो बैलेंस हो सकता था, पर हमने जैसा कि पहले ही कहा है कि ये जो प्लेस होता है ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट के लिए, तो सबस्क्रिप्ट कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर अगर वाटर बन रहा है तो आपको कहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, केवल कोएफिशिएंट नंबर को बैलेंस करते हुए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो
हाइड्रोजन कितने हो गए, टू हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, टू हो गए, हाइड्रोजन का नंबर है टू और ऑक्सीजन का नंबर है वन, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटू टू करना पड़ेगा। इंटू टू करते ही आपको ये वैल्यू भी बदल गई, तो यहाँ पर फोर हो गया, फोर हो गया, तो अब इसको फोर करना पड़ेगा, तो इंटू टू करके आप इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन फोर, हाइड्रोजन फोर, ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन टू। ओके, तो हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई इस तरह से। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है यहाँ पर, कार्बन कितना है वन, ऑक्सीजन कितना है टू, कार्बन है वन एंड ऑक्सीजन वन। ऑक्सीजन को टू करने के लिए इंटू टू करा, यहाँ पर भी इंटू टू हो गया। ओके, और यहाँ पर वन है, इंटू टू करना पड़ेगा, तो कार्बन के आगे आपको टू लिखना पड़ेगा। कार्बन हो गए टू, कार्बन हो गए टू, ऑक्सीजन टू एंड ऑक्सीजन टू। इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक और इक्वेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, हम सबके नंबर लिख लेते हैं कितने हैं। कैल्शियम सल्फर सल्फेट सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट सोडियम एंड नाइट्रेट। ओके, इस तरह से हम पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल हम दे रहे हैं ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस, क्योंकि बहुत सारे एटम्स इसमें साथ में आ रहे हैं। कैल्शियम का नंबर कितना है, कैल्शियम का नंबर बोथ द साइड्स कैल्शियम वन, सल्फेट वन, सल्फेट वन। ओके, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन। ओके, सोडियम देख लेते हैं। सोडियम नंबर ऑफ सोडियम वन, नंबर ऑफ सोडियम इट्स टू। नाइट्रेट देख लेते हैं, नाइट्रेट लेफ्ट में वन है और नाइट्रेट राइट में टू है। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इनको, सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम बैलेंस हो गया टू लगाते ही। अब क्योंकि यहाँ पर टू लगाया तो जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट भी टू हो गया, क्योंकि इनटू टू करना पड़ा तो नाइट्रेट भी टू हो गया। तो बहुत ही इजीली हमें इक्वेशन बैलेंस करने को मिल गई, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर टू लगाया, सोडियम की भी जो वैलेंस हो गया है, सोडियम हो गया टू एटम्स बोथ द साइड्स एंड नाइट्रेट के भी टू टू एटम्स बोथ द साइड्स। तो इस तरह से जब भी हमें कोई भी इक्वेशन जो होती है उनको बैलेंस करना होता है तो ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। इनमें सबसे पहला रूल क्या है कि एटम्स का जो नंबर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर होना चाहिए। सेकेंड चीज ये होती है कि कभी भी हम ये जो सबस्क्रिप्ट्स होते हैं इनको चेंज नहीं कर सकते। जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो कि एटम्स के पहले जो नंबर लिखाते हैं उनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, हम उनको केवल चेंज कर सकते हैं। और कुछ रूल्स ये भी होते हैं कि जब आप ऐसी लेंथी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना चाहिए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना चाहिए, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। तो ये जो रूल है ये नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसको और डिटेल में हम देख लेंगे। और कुछ इक्वेशंस आपके लिए भी मैं चाहती हूँ कि आपने अगर ये रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है तो कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर वो एग्जांपल्स आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो जो वीडियो है मेरा उसमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर बताइए कि आपको प्रॉब्लम आई, कि आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये इजीली सॉल्व आप नहीं कर पाए हो तो आप जो मेरा एक वीडियो है, मैंने इन्हीं पर एक जो वीडियो बनाया है आप उसको देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो ये जो क्वेरी है, ये जो इक्वेशंस है, ये आपको सॉल्व करना है, आप करके देखिए और जो भी आपको आंसर आए या जो भी आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखा है,
पहले आप खुद से सॉल्व कर देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लिंक दे रही हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। ओके, और भी अगर आपको कुछ इक्वेशंस हैं जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी इक्वेशंस आपको इससे रिलेटेड समझ में नहीं आ रही हैं वो आप मुझसे मेल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये पांचों इक्वेशंस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और आपको केवल पहले इन इक्वेशंस को खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, मेल एड्रेस पर आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो मुझे बता सकते हैं, उससे हम कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। आपको कोई भी अदर टॉपिक चाहिए हो तो उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे अमृता एकेडमी जो फैमिली है वो और बड़ी हो जाएगी, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हों वो ईजिली मिल जाए। थैंक यू सो मच।